दोस्तों एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ एक नई सीरीज और नया सफर। हम जा रहे हैं जंस्कार वैली। हम उधमपुर से निकल के जा रहे हैं डलहौजी, और डलहौजी के आगे हम लेंगे साच पास, फिर किलाड़, फिर उसके बाद उदयपुर, फिर आएगा डारचा। यहाँ से शुरू हो जाएगी जंस्कार वैली। अगर आप भी प्लान कर रहे हो जंस्कार वैली जाने का, तो ये सीरीज और ये वीडियोज आपके लिए है। ये सारे वीडियोज आप आखिर तक देखना, क्योंकि ये पूरा सफर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज है सफर का पहला दिन, तो चलो शुरू करते हैं फिर आज का ये वीडियो। सारा सामान यहाँ चार्ज होने पे लगा हुआ है, तो ये सब लेके जाना है, अभी समेटना भी है इसको। तो बिखरा पड़ा हुआ अभी बैग ऐसे खुले पड़े हैं, ये सारा सामान। हाँ, एक बैग पूरा तैयार है मेरा, टची। ये कैंपिंग लाइट है, ये भी लेके जानी है साथ में। ये दूसरी लाइट है, ये भी रखेंगे साथ में। अभी ये बैग भी पूरा, इसमें मेरे चार्जर और गोप्रो का सारा सामान आ जाएगा। स्टैंड ये बहुत ज़रूरी है, ये भी एक ज़रूरी आइटम है कैंपिंग के लिए। गाड़ी ऑलमोस्ट मैंने पैक कर दी है, बस थोड़ा सा अभी मेरा वो जो बैग है बस वही आएगा। एक अटैची, एक बैग है, और बाकी कैमरा है, और तो कुछ नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट रेडी हैं निकलने के लिए, और आधे घंटे के बाद हम लोग यहाँ से उधमपुर से निकल जाएंगे हमारी नई जर्नी की तरफ। टाइम हुआ है 9:30 और हम अपने घर से निकल आए हैं। मेरे साथ एक और गाड़ी जाने वाली है, आशीष गाड़ी लेके हमारा वेट कर रहा है आगे, आई थिंक ये खड़ा है। बस हाय हेलो की और बिना रुके हमने अपना सफर शुरू कर दिया। ऐसे हमने कल रात को प्लान किया था कि हम सुबह 7 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि जल्दी जाएंगे और जल्दी पहुँचेंगे, फिर आगे की प्लानिंग हम वहाँ जाके करेंगे डलहौजी में। पर निकलते निकलते काफ़ी टाइम लग गया हमें, और हम धार रोड से होते हुए बसोली क्रॉस करके हिमाचल एंटर करेंगे। हम पहुंच गए हैं बट्टल, और यहाँ से जो राइट साइड रास्ता जा रहा है ये जाएगा सीधा मानसर झील, और वहाँ से बाहर निकलेगा सांबा में। लेकिन हमें जाना है पहले बसोली। हम जाएंगे बिल्कुल सीधा वाया रामकोट से होते हुए। हम पहुंचे हैं रामकोट। यहाँ से दो रास्ते निकलेंगे, एक जाएगा बिल्कुल सीधा जो जाएगा चक दयाला, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में निकलेगा, और हमें जाना है लेफ्ट। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आज गर्मी से हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि अगर हम लोग डलहौजी से पहले कहीं कैंपिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हम सोच रहे हैं कि कहीं ऐसी जगह पे कैंपिंग करें यहाँ पे थोड़ा सा मौसम अच्छा हो और रात को थोड़ा सा क्लाइमेट ठीक हो जाए, ताकि हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। फ़िलहाल तो अभी भूख लगी है, हम लोग अभी फ़िलहाल फ्रूट ही ले रहे हैं बिट्टू भैया जी, और बिट्टू भैया गोभी ले लेना साथ में, ठीक है। एक किलो गोभी ले लो, एक किलो प्याज ले लो, एक किलो हो गया हमारे वो क्या बोलते हैं उसको, एप्पल, एक किलो खीरा ले लो, और एप्पल 1.5 किलो है, नींबू भी ले लो, और साथ में वो भी ले लो। टमाटर कितने ले? टमाटर भी एक किलो डाल दो, एक किलो टमाटर।
ये रात का सामान हम यहीं से ले लेते हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब कुछ। अभी दोपहर को तो हम सिर्फ फ्रूट खा लेंगे और रात के लिए हमने गोभी ले ली है, प्याज ले लिया है, टमाटर ले लिए हैं। रात को हम चावल बना लेंगे, चावल के साथ गोभी या फिर उसको मिक्स करके कुछ पुलाव टाइप बना लेंगे, कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे रात को। रात के लिए तो हमने ले लिया सामान। ओहो अंदर ये क्या आ गया, एक खतरनाक चीज़ आ गई। ओहो हो हो हो, ये तो काटने वाली चीज़ है। ओ चल भाई बाहर, शुक्र है उठ गई। हमने फ्रूट भी ले लिया, सब्जी भी ले ली रात के लिए और आगे का सफ़र हमने शुरू कर दिया। बस थोड़े ही टाइम में हम बसोली पहुंच जाएंगे, फिर उसके आगे आ जाएगा हमारा हिमाचल का बॉर्डर। टाइम हो गया है 3:30 और हम पहुंच गए हैं फाइनली बसोली। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अटल सेतु ब्रिज, इस ब्रिज की खूबसूरती और इसकी जो कारीगरी है, जिस हिसाब से इसको बनाया गया है, ये बहुत ही खूबसूरत है और इसको देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आता है। हम जैसे ही इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करते ही हमारा पंजाब शुरू हो जाएगा, पंजाब का बॉर्डर शुरू हो जाएगा। फिर उसके थोड़ा सा आगे जाके हमें फिर लेफ्ट साइड लेनी है, वहाँ से हमारा हिमाचल शुरू हो जाएगा। तो ये ब्रिज का ये फ़ायदा है कि पहले लोग यहाँ पे कश्ती में बैठ के दरिया क्रॉस करते थे, लेकिन इस ब्रिज के बनने से 3 स्टेटें आपस में जुड़ गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे आने के बाद हमें फिर से दो रास्ते मिले। जो राइट साइड जा रहा है ये जाएगा सीधा पठानकोट और जो लेफ्ट साइड है ये जाएगा सीधा डलहौजी। और डलहौजी वाली साइड टर्न लेते ही स्टार्टिंग में जो मार्केट है, ये पूरी की पूरी मार्केट जो है ये आम पापड़ की मार्केट है। यहाँ पे बेस्ट आम पापड़ मिलता है जो घर में बनाया जाता है देसी तरीके से और काफ़ी टेस्टी होता है। ये जितनी भी दुकानें हैं ये सब आम पापड़ की दुकानें हैं। और ये आ गया हमारे सामने हिमाचल का एंट्री पॉइंट। यहाँ पे एक पर्ची काटी जाएगी, जैसे एंट्री हम बोल सकते हैं हिमाचल की। बस एक टर्न लेने के बाद ही सामने है हमारे चेक पोस्ट। यहाँ पे चेकिंग हो रही है हर गाड़ी की। सामने खड़ी है हिमाचल पुलिस। यहाँ चेक की जा रही है कोरोना की रिपोर्ट और अभी हमें वो चेक कराना है। अगर तो आप डबल वैक्सीनेटेड हो तो आपको एक ई पास बनाना है अपने ही मोबाइल में। अगर आपके पास RT-PCR की रिपोर्ट है तो भी आपको ई पास बनाना है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपको जाने नहीं दिया जाएगा। और हमारे जो 3 लोग थे उनके पास डबल वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट था और 2 लोगों के पास RT-PCR थी, फिर भी हमें काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे सिर्फ ई पास बनाने में। और ऊपर से बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई थी, यहाँ पे पूरे भीग गए थे हम लोग। फाइनली हमारा पास बन गया और हमें परमिशन मिल गई यहाँ से निकलने की। अब थोड़ी बारिश भी कम हो गई थी लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ज
जंस्कार वैली जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप कारगिल से जा सकते हो, भद्रवाह किश्तवाड़ से जा सकते हो, बाया मनाली जा सकते हो, लेकिन हमने जो चूज किया है वो किया है बाया सच पास जाना, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ेगा हमें और इसमें थोड़ा सा एडवेंचर ज्यादा होगा, क्योंकि इस रास्ते में हमें मिलेगा पूरी तरह से ऑफ रोड। फाइनली 6 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं डलहौजी। आज हम कैंपिंग नहीं करेंगे, आज हम होटल में रहेंगे, तो बने रहना मेरे साथ इस सीरीज में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मिलूंगा मैं आपको मॉर्निंग में एक नए सफर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जिंदगी को ऐसे जियो जैसे कल है ही नहीं।